तोरपा प्रखंड के निश्चितपुर गांव की जनता हर रात दहशत में जी रही है। जंगली हाथियों के द्वारा खेतों में खड़े फसल एवं घर में रखे अनाजों को खा जाने के कारण यहां की जनता खुशहाल किसान से मजदूर बन गई है। मैं हूं अमित तोपनो और यह है मेरा मुंडा समुदाय। 20 तारीख रात को लगभग 2 बजे हाथी आया। हाथी आने के बाद दीवार पर लात मारा और दीवार पूरा गिर गया। मेरा पूरा दीवार गिर गया है, बर्बाद हो गया पूरा, खपरा सा पूरा गिर गया, मुर्गी भी दब गया पूरा दीवार से, और 3-4 ठो कुर्सी था वो भी पूरा चकनाचूर हुआ, और साइकिल भी बर्बाद हुआ, और उसके बाद वो खपरा सा पूरा चकनाचूर हुआ और दरवाजा सा पूरा गिर पड़ा है हम लोग का। अगर हमारे गांव में पर्याप्त मात्रा में टॉर्च होते तो हमारे खेत के फसल एवं घरों में रखे अनाज सुरक्षित रहते, किसी गरीब का घर नहीं टूटता। हम गांव के लोग रोशनी के लिए लंबा बांस का मसाल बनाकर एवं हल्ला कर हाथियों को भगाते हैं, एवं कई बार तो हाथियों को भगाने के क्रम में कई लोगों की जान तक चली गई है। पूरा काम तो जंगल देखना है। जंगल देखना मतलब? मतलब सुरक्षित करना हमारा काम है। पब्लिक कटेगा कुछ कटेगा, उसको समझाना बुझाना हमारा काम है। हाथी दसा दिया, हाथ दिया, उसके लिए हम आके इंक्वायरी करते हैं। हमको 1200 पैसा मिला है, उससे हम दीवार खड़ा करेंगे कि वो साइकिल खरीदेंगे, कि कुछ होने वाला ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। और अगर सरकार तरफ से हमको और थोड़ा सहयोग मिलेगा तो अच्छा रहता। अभी हम लोग गांव में हाथी आ रहा है रोज रोज, तो अभी हम लोग तत्काल में क्या दीजिएगा? पैसा मेरे पास हो, रेंज अफसर पटाखा दे दे या पैसा दे दे, पटाखा उपलब्ध किया जा सकता है। हाँ, कोई भी चीज सरकारी जो है ऊपर से हमको मिलेगा तो हम दे सकते हैं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि पिछले साल हाथियों के एक झुंड ने मेरे घर को ध्वस्त कर उसमें रखे अनाजों को खा गए और हम इस घटना में बाल बाल बच गए। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर खूंटी हमें 20 की संख्या में उच्च रोशनी वाले टॉर्च प्रदान करें। मैं अमित टोपनो, जिला खूंटी, झारखंड से, इंडिया अनार्ड के लिए।